तरीके से राव के का होगा या जलेगा या गड़ेगा। नमस्कार, मैं उद्धव कृष्ण, आप लोग का लेटिन देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा दान, रक्त दान और मृत्यु के उपरांत इस चीज का दान कर चुके हैं डॉक्टर गुरु एम रहमान। तो हमारे साथ अभी गुरु रहमान है, चलिए उनसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं। आप बने रहिए लोकल टीम पर। शिक्षा दीक्षा क्रम में ही मैंने रक्तदान के बारे में बहुत कुछ सुना था और मैंने रक्तदान देना शुरू कर दिया था करीब इंटर से ही। 2013 में तारामंडल में पूजने मोहन भागवत जी आए, सुशील मोदी जी माने, सुशील मोदी जी थे, राकेश कुमार थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष थे, वो किरण भाई मैम थी, और उसके बाद गंगा प्रसाद जो सिक्किम और मेघालय के राज्यपाल भी रह चुके हैं, गंगा प्रसाद चौरसिया, वो भी थे, और एक मैं भी था। ये सौभाग्य था मेरे लिए और तमाम लोग थे जो संबंधित थे, तो मैं वहाँ गया और सौभाग्य था कि वहाँ 5 लोगों ने अंगदान का शपथ लिया, नेत्रदान का, देहदान का, और इसमें 5 हम लोगों ने, इसका मैंने नाम लिया, मैंने, माननीय सुशील मोदी जी ने, गंगा प्रसाद चौरसिया जी बाबू जी ने, उसके बाद राकेश कुमार ने और किरण घई ने। इसके बाद पेपर में दूसरा दिन आया, हर पेपर में आया, मेरा नाम भी आया, तरह तरह से इस पर आया, और हमको धार्मिक प्रताड़ना भी दी गई फोने पर। सुनता रहा मैं, मेरे दिमाग में एक बात जरूर था कि 2013 से लेकर अब तक आपको बता दें कि 200 आंखें तो जरूर ऐसी है जो कभी अंधी थी और आज देख रही है, और कितने लोगों को जीवन दान देने में हम लोग सफल हुए हैं। इसके सेक्रेटरी हमारे विमल भैया, वो भारत विकास विकलांग मंच भी चलाते हैं और इसके भी सचिव हैं, उनके प्रयास से आज कितना तेजी से आज ये संगठन बढ़ के उभरा है कि आज हम लोग लीवर, किडनी, सब चीज़ का नेत्रदान, तो 11 को नेत्रदान इधर 1 महीना के अंदर हुआ, 1.5 महीना के अंदर में हुआ है, 11 नेत्रदान हुआ है। तो मैं भी सोचता सोच रहा था, मेरे साथ मुन्ना भी था, मेरा कोचिंग के जो डायरेक्टर है, मुन्ना भी था, बोले कि मुन्ना भाई अपना शरीर दान कर दें, तो मुन्ना भाई बोले कि महाराज की बहुत ही टफ काम है, बैठ तरीके से तो रह के का होगा, या जलेगा या गड़ेगा, और बवाल छिड़ेगा सलाम मरने के बाद दाने कर देते, हम भी नाम लिख के दे दिए। जब ये बात बोला मेरे मुंह से निकल गई कि यदि यह सत्य है, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी सत्य है कि एक आदमी तो मर जाता है, लोग बोलता है कि फलानवा अमर हो गया, तो अमर सब जरूर किसी ना किसी रूप में आया है, कि अगर हम मर गए तो अरब की जलवायु के अनुसार वहाँ गाड़ दिए गए, बालू कोड़ना आसान है, पेड़ पौधा है नहीं, अब भारत में जला दिए गए कि पेड़ पौधा कभी नहीं है, दोनों परिस्थिति में नष्ट हो जाना है शरीर का, अब शरीर तुमको मिट्टी का बना है, सब लोग कहता है हिंदू हो मियाँ सब हो, और वैसी परिस्थिति में एक मरा हुआ व्यक्ति जिसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, मरने के 6 घंटा के अंदर मर के भी 8 आदमी को जिंदा रख दे, इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैंने देखा कि गुरु रहमान के मृत्यु के पश्चात किसी तरह का विवाद छिड़े, उससे पहले मैंने पूरी तरह से अपने संपूर्ण शरीर को दान कर दिया। 10-50 मुन्ना ने भी अपना नेत्रदान किया है, और मैं सब लोग से आह्वान कर रहा हूँ कि जीते जी रक्तदान कीजिए, मरने के बाद देहदान, अंगदान और चक्षुदान कीजिए, क्योंकि याद रखिए श्रीलंका से हम लोग मंगाते हैं कारणिया, कितने बदनसीब हम लोग हैं जबकि श्रीलंका में एक भी आदमी अंधा नहीं है, और हमारे यहाँ उस तरह की कैसी परिस्थिति है। इसलिए जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, अंगदान, चक्षुदान पर विश्वास कीजिए। इस्लाम में अगर ये बात कही जाती है कि देहदान, कुछ कोई अंगदान करना गुनाह है, तो मैं इस्लाम के फॉलोअर्स को भी बोलता हूँ एक मुसलमानों के नाते कि अगर देना गुनाह है तो लेना भी गुनाह होना चाहिए। इसलिए इस तरह की दुर्भावना को तोड़े, आगे बढ़ें, जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, अंगदान को एक आवश्यक विकल्प के रूप में चुने, क्योंकि इसी से भारत माता हमारी महान बनेगी और मानवता को हम लोग सच में चरितार्थ करेंगे और महामृत्युंजय की स्थिति को प्राप्त करेंगे मरकर भी, शायद अमरता इसी को कहा गया है। अभी तक आपने कितनी बार रक्तदान? मेरे 56 times, लेकिन अभी बीपी शुगर नहीं है, जब तक बीपी शुगर नहीं होता है तब तक हम देते रहेंगे। किसी को जरूरत पड़ती है किसी भी ग्रुप की, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ बी, ए बी ग्रुप, ओ ओ ओ ग्रुप, ओ पॉजिटिव, निगेटिव, तो मुन्ना भाई जाते हैं, मैं क्लास में रहता हूँ, मुन्ना भाई बोर्ड पर लिख देते हैं नीड फलाना ग्रुप, और उसमें बच्चे खड़े हो जाते हैं, और ऐसे प्रत्येक 10 जनवरी को प्रत्येक 10 जनवरी को महाराणा प्रताप भवन में
हमारा वर्धा भवन में माँ ब्लड ब्लड सेंटर मुकेश सुतारिया के माँ ब्लड सेंटर के का पूरा टीम टीम पहुँचता है, उसी की से महाराणा प्रताप में माँ ब्लड सेंटर में हम लोग अपना ये लगाते हैं। पहले महाराणा प्रताप में लगाते थे, इस बार तो माँ ब्लड बैंक में लगाए। हर ब्लड ग्रुप के दिन 200 300 400 500 बच्चे ब्लड दान करते हैं। सबसे पहले मैं देता हूँ।